सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. क्लास को शुरू करते हैं हम लोग. और आज का डेट है 12th of January. और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में हैं अपने हीट के. और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास, वो बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल से. ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल क्या है? तो आप बोलोगे कल तो बताया था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, तो ये तो पढ़ा ही था हमने. लेकिन नहीं, इसको हम लोग कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल नहीं सिर्फ कहेंगे, टेम्परेचर स्केल कुछ भी नया इसके अलावा भी बनाया जा सकता है. अब मान लो कि कल को आदर्श को लगे कि एक काम करते हैं, अपने नाम से ना कोई टेम्परेचर स्केल बनाते हैं. आदर्श बना देगा, आदर्श कहेगा कि मेरे नाम से टेम्परेचर स्केल है, आदर्श नाम होगा उसका, यूनिट होगा आदर्श. ठीक है, अब इस तरह के नया स्केल उसने बना दिया. अब नया स्केल बनाएगा भी तो उसकी क्या खासियत रहेगी? अगर कोई नया टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी नए स्केल्स को हम डेवलप करेंगे तो उसकी क्या खासियत होगी, क्या चीज है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा? तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ. ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ना, हमने एक स्केल लिया है, स्केल वन. और मान लीजिए कि हमने एक स्केल लिया है 2. ठीक है, मान लीजिए बच्चों कि एक स्केल को ना सेल्सियस स्केल ले लिया, पहला वाला स्केल सेल्सियस ले लिया, और दूसरा वाला स्केल मैंने ले लिया यू मैंने अपना बना लिया. ये मेरा अपना स्केल है, मैं खुद इससे टेम्परेचर मेजर करूंगा आज से. मतलब होता है ना क्या, आज से हम मास को लीटर में मेजर करेंगे. कोई बेवड़ा पागल हो गया मान लो. तो इसी तरीके से किसी ने कहा कि आज से हम टेम्परेचर को अपने तरीके से मेजर करेंगे. तो मान लिया यू. तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं एक टी वन डिग्री सेल्सियस को मैं कुछ नाम दूंगा के, या सिंपल कहूंगा मैं यू वन, और टी टू डिग्री सेल्सियस को मैं नाम दूंगा यू टू. ठीक, मैंने मान लिया. तो इसको समझे कैसे कि हमने सही लिया है कि नहीं लिया. तो मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस को मैं मानूंगा कि 50 यू, और 20 डिग्री सेल्सियस को मैं मानूंगा 70 यू. तो मैंने मान लिया. अब इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. तो याद रखना कि मान लो नीचे में कि एक स्केल नीचे ले लो नोन, ये ले लो नोन स्केल. नीचे हमेशा लिया जाता है नोन, जिसको आप इसके बारे में आपको जानकारी हो, और इधर ले लो अननोन, आपकी मर्जी है कैसे लेना है अननोन. एक स्केल ले लो नोन, दूसरा ले लो अननोन. अब आप करो कि मान लीजिए कि नोन में अगर आपका टी वन था तो अननोन में आपका कितना था यू वन. नोन में अगर आपका टी टू था तो अननोन में क्या था आपका यू टू. अब दो पॉइंट कुल मिला के बने. याद रखिएगा ये जो स्केल लाइन ड्रॉ हुआ है, ये लाइन हमेशा हमेशा क्या होगा, लीनियर लाइन होगा. लीनियर हमेशा ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, लीनियर. समझ लीजिए, बड़ा अजीब चीज है बट बहुत सिंपल चीज है. मैंने क्या बोला कि मैंने कहा कि इतने पे इतना और दूसरे इतना डिग्री पे इतना इतना यू. तो मैंने बोला कि दोनों को प्लॉट कर देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, अच्छा आकांक्षा ने सवाल पूछा कैसे पता चलेगा नोन कौन सा. उसमें तो दूंगा ना कि सेल्सियस है फ़ारेनहाइट है, तो वो देख के पता चल जाएगा कि कौन नोन है और कौन अननोन है. मतलब ऑब्वियस होगा वो थोड़ा सा. ठीक है, क्वेश्चन में दिख जाएगा. अब अगर मान लीजिए कि मैं पूछ दूं कि बताओ किसी टी नॉट टेम्परेचर पे कितना होगा, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे खाली बस वो टी नॉट टेम्परेचर ढूंढ लेना है, टी नॉट टेम्परेचर, और उस पे क्या निकाल लेना है आपको, क्या निकालना है आपको, यू नॉट आपको निकालना है. ठीक है, किसी टी टेम्परेचर पे पूछेगा कि यू बताओ, तो उस केस में आपको एक ही तरीका मेथड का यूज करना है, वो है स्लोप. वो क्या यूज करना है, स्लोप. क्योंकि एक बात याद रखना कि ये जो डेटा दिया हुआ है इससे आपको एक चीज तो निकल ही जाएगा इस ग्राफ का, वो ग्राफ का निकल जाएगा स्लोप. स्लोप कितना होगा, चेंज इन यू
by change in temperature. कितना होगा change in U2 minus U1 by T2 minus T1. अब इस स्लोप का यूज कर करके आप ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो. मैं बस कितना कहूंगा कि आप इसको लिख लें. ये समझ में तभी आएगा जब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे. जल्दी लिख लो इसको. जल्दी सब लोग नोट करें. कुछ दो इंटरेस्टिंग सवाल इस पे करेंगे हम लोग. बस आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी दो स्केल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होगा हमेशा. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन. Everyone note it down clearly. ठीक है तानिया, मैं एक बार और समझा देता हूं. आप लिख लो ना एक बार. आप लिख लो ना एक बार और समझा दूंगा. अब आप पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं. लिख लेना तो सही. यस एटलीस्ट की रिटर्न. गुड निश्ता. लेट्स वेट. वेट काफी लोग लिख लिया. वेट फॉर 10 seconds नाउ. चलो तानिया ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. धनिया मैंने कहा कि आपके पास कोई दो टेम्परेचर मेजरमेंट का तरीका है. एक तो आपका कोई ऐसा होगा जो आपको पता होगा, दूसरा एक होगा जो आपको पता नहीं होगा. ठीक. अब बोल दिया गया कि ऐसे कह देते हैं धनिया, मान लीजिए आपको कि आप मेरे कि मेरा एक अपना टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल है और आपका एक अपना टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल है. मेरे टेम्परेचर के मेजरमेंट के स्केल में जब 20 degrees Celsius हो रहा है तो आपके वाले में 40 हो रहा है, जो भी आपने स्केल यूज किया. मैं जो 30 मेजर कर रहा हूं तो आप 50 मेजर कर रहे हो, तो हम दोनों का टेम्परेचर का स्केल अलग अलग है, अलग अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं. मैंने कहा कि दो स्केल्स लेते हैं, स्केल वन और स्केल टू. एक स्केल ऐसा होगा जो नोन होगा और दूसरा स्केल जो होगा वो अननोन होगा. नोन आप किसी एक को मान लो, कोई मसला नहीं. तो आपने माना कि अननोन में अगर टेम्परेचर टी वन हो रहा है तो दूसरे वाले में यू वन हो रहा है, एक अलग टेम्परेचर दे रहा है. अगर नोन में T2 हो रहा है तो टेम्परेचर क्या दे रहा है दूसरे वाले में, अननोन में क्या हो रहा है, U2 हो रहा है. क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर T0 होगा तो स्केल में कितना मेजर करेगा. सीधा सीधा हिसाब है, स्केल में T0 होगा तो कितना मेजर करेगा. तो इसको बनाने के लिए हम लोग ने स्केल ड्रॉ किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया. ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया, नोन स्केल और अननोन स्केल के बीच में. और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल लीनियर होगा. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. हमने ग्राफ बनाया, मैंने पहला बोला कि जब T1 टेम्परेचर होगा तो ये U1 शो कर रहा, तो क्या हो गया T1, U1. और जब T2 होगा तो ये क्या होगा, U2 होगा. अब गौर से देखो इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या उसका स्लोप क्लियर है. क्या बोलिए, क्या उसका स्लोप क्लियर है. अच्छा बात मान लो कि मेरे से कोई T0 U0 के बारे में पूछ दे, T0 U0 के बारे में बोल दे, तो मैं एक और स्लोप निकाल लेता हूं. यहाँ पे एक और स्लोप क्या निकाल सकते हैं, क्या U0 minus T1 by T0 minus T1. मैं इस दोनों लाइन के बीच का स्लोप निकाल लेता हूँ, U1 और U0 के बीच का. अब दोनों स्लोप हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अब दोनों स्लोप को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, U2 minus U1 by T2 minus T1 equals to U0 minus U1 by
टी नॉट माइनस टी वन हो जाएगा, आप वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है? यही इसका मेन लॉजिक है। अब आप क्वेश्चन में इसको एफर्ट को लगाओगे एक बार तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी इसको ट्राई करें, जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया था एवन में, इस क्वेश्चन को कीप योरसेल्फ काम और अब नए तरीके से सोच के बनाओ। वहां पे आपने बहुत लॉजिक लगाया था। ओके चलो, हनिश्ता आप लोग का किया हुआ, लेट्स वेट, सब लोग देखें। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं वेट कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। रीड क्वेश्चन केयरफुली। अली देखते हैं, ठीक है अली, सही है कांशा, ये अलग टाइप का सवाल है जो बहुत ध्यान हम लोग नहीं देते हैं लेकिन क्वेश्चन आता है इससे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप दो स्केल्स बना लो, एक ले लो नोन मैं आपके जगह रहूंगा तो एक को नोन मान लूंगा और दूसरे को अननोन स्केल मान लूंगा। नहीं कार्तिक गड़बड़ है, कार्तिक तूने आंसर कुछ और लिखा है, नहीं कार्तिक, नहीं कार्तिक गड़बड़ है, शायद ठीक है। बच्चों आप नोन स्केल ले लो और अननोन स्केल ले लो, बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है थर्मोमीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है श्रेया, थर्मोमीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इरफान ठीक है, वेरी गुड। अच्छा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है कोई बताएगा क्या, क्लास में बताओ जल्दी से, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? नहीं बात जो हैंडल नहीं बताओ, इसमें तुम क्या ही बताओगे आप, मैं जो चैट में बता दो यार, इसके लिए क्या ही तुमको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, वेरी गुड, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। अब 0 को मेजर कर रहा है मेरा नोन स्केल 20, ठीक। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट सब लोग, बॉइलिंग पॉइंट वेरी गुड 100, बॉइलिंग पॉइंट 100, तो 100 को कितना मेजर कर रहा है 150। मैं अगर इतना ही देखूंगा तो मैं तो सीधा सीधा ग्राफ बना लूंगा, मैं ग्राफ बना लूंगा, ग्राफ बना लूंगा, ये नोन है और ये अननोन है, ठीक है। 0 पे कितना है 20, ये कितना है 0 पे 20 और ये कितना है 100 पे 150। ग्राफ क्लियर हो गया,
मैं आपके जगह रहूंगा तो सबसे पहले सॉल्व करने के बजाय ग्राफ का तो स्लोप बनाऊंगा, मैं तो ग्राफ का स्लोप बनाऊंगा। सब लोग ग्राफ का स्लोप तो बनाओ, स्लोप कितना हो जाएगा, चेंज इन अननोन बाय चेंज इन नोन, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 20 बाय 100 माइनस 0, तो आ गया 130 बाय 100, यानी 13 बाय 10। स्लोप आ रहा है क्या 13 बाय 10? बच्चों गौर से देखो, सॉल्व हुआ नहीं हुआ बात की बात है। पहला चीज क्या हम बेसिक प्रोसेस समझ रहे हैं, क्या हम बेसिक ग्राफ बना पा रहे हैं, क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं, इतना तो पहले कर ले फिर बाद में पाएंगे। किस पे पूछा है वो बात की बात है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जब 60 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये स्केल कितना शो करेगा। अब लगाते हैं दिमाग, अब पूछ दिया है कि बीच में अगर टेम्परेचर नोन में 60 हो जाए तो अननोन में कितना होगा। तो हमेशा आप लोअर वाले के साथ ग्राफ का फिर से स्लोप निकाल लो, तो क्या लिखोगे, चेंज इन वाई कितना होगा, 60 और ये कितना हो जाएगा अननोन, मान लेते हैं यू, तो यू माइनस 20 चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स कितना हो जाएगा 60 माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप हमको पता है कितना है 13 बाई 10। इज इट क्लियर, हमको स्लोप पता है, हमने क्या निकाला, बीच से स्लोप ले लिया 60 और यू जो पॉइंट है वहां से स्लोप ले लिया, तो ये क्या हो गया 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, u माइनस 20 इज इक्वल टू 13 × 6 कितना हो जाएगा 78। यहीं से कार्तिक आपने आंसर कंक्लूड कर लिया है, 78 प्लस 20 कितना हो जाएगा 98। सलोनी ने कहा है कि सर लास्ट वाला प्रोसेस एक बार और समझा दिया, सलोनी मैं समझा देता हूँ, सलोनी मैं डिटेल में समझा देता हूँ, सब लोग आप देखिए गौर से। मैंने कहा सलोनी ग्राफ को गौर से ड्रॉ करता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा सलोनी, ग्राफ में दिया हुआ है कि नोन में और अननोन में दो है, नोन में जब जीरो है तो अननोन में कितना है 20, यानी पहला पॉइंट क्या है जब जीरो है और दूसरा क्या है 20 है। ठीक, बोला गया था कि जब 100 है तो ये 150 है, जब 100 है तो ये 150। ग्राफ तो यही है अपना ग्राफ, क्लियर है। मैंने अब बीच में ला दिया, एक पॉइंट ला दिया और मैंने कहा कि बताओ जब 60 होगा तो ये कितना होगा, यानी मान लेते हैं यहां पे वैल्यू क्या है कुछ u, क्लियर है। मैंने स्लोप निकाल रखा है तो मैं स्लोप क्या इस पॉइंट के बीच में नहीं निकाल लूं, भी जो नीचे वाला जो दो पॉइंट है इन दोनों के बीच अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो क्या इन दोनों के बीच चेंज इन y नहीं निकाल लीजिएगा, चेंज इन y कितना है u माइनस 20, चेंज इन x कितना है 60 इज इक्वल टू, क्या पुराना जो स्लोप निकाल रखा है वो यूज नहीं कर लेंगे, स्लोप थोड़े लाइन का बदलता है। बोलिए सलोनी क्लियर है क्या, क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको, ये एक अलग टाइप का सवाल है जो इससे आ सकता है और अभी दिखाएंगे भी कि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेई में, और ये बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा अगर हमने ये लॉजिक लगा दिया तो। कंटिन्यू आगे करें, आगे बढ़े, क्या सबको समझ में आया, से यस इफ अंडरस्टूड देन वी कैन मूव अहेड, इफ अंडरस्टूड देन वी विल मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, हम एक नया एक टेम्परेचर मेजरमेंट एक बड़ा बेसिक सा बात है, लेकिन हम उसमें भी एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आ सकता है आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा है, लेट्स सी कितने लोगों से बन पाता है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें आप लोग, एक्सपेक्टिंग कि सब लोग सॉल्व कर लोगे। श्रेया इसमें लॉजिक क्या है, बात याद रखिएगा, लॉजिक ये है श्रेया कि कोई भी दो टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल होगा उनके बीच रिलेशनशिप लीनियर होगा, ठीक। जब रिलेशनशिप लीनियर होगा तो लीनियर मतलब कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप खाली इक्वल रहेगा हर जगह, यही लॉजिक है इसका, क्लियर है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के भी स्केल्स में कन्वर्जन होगा तो हमेशा
आपका स्लोप सेम रहेगा। बोलिए कांचा, अनम्यूट कर दिया कांचा। ओके चल आगे बढ़ते। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, बहुत ज्यादा सवाल इस लॉजिक पे मिलेगा भी नहीं आपको। बोलिए कंचन। सर मेरे नाम से पता नहीं कोई और भी वो किया है, देखिए ना इसमें। मैं हटा, मैं देख लेता हूँ। Everyone try this question. Nishtha देखते हैं, Nishtha देखते हैं, we'll wait, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताता हूँ आंसर। मानस ने कहा है कि मेरा 25 आ रहा है, रियांशु ने कहा है आपका अलग आंसर आ रहा है, निश्ता ने 35 कहा है। लेट्स सी, देखते हैं बच्चों, एक बार सब एक यूनिफॉर्म टाइम देते हैं, लेट्स टेक वन और टू मिनट्स। क्वेश्चन ये भी इजी है, अगर आप सही से अगर अपने दो स्केल्स बना लिया अगर ना, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान बनेगा। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। पलक ठीक लग रहा है, देखते हैं। अरिजीत ठीक लग रहा है, अंशु ठीक लग रहा है, डिस्टर्बिंग सर, बारिश हो रही है। एक बात तो तय है कि ये भी स्केल चेंज का ही है, तो मैं तो खाली दो ही स्केल बनाता हूं, नोन और अनोन, सॉल्व नहीं कर रहा मैं, अपना अपना देख लो, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। चलो नहीं, गड़बड़ लग रहा है। श्रेयांश ठीक लग रहा है, कार्तिक ठीक लग रहा है। बोल रहा था कि जब जीरो थर्मोमीटर ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द लीनियर स्केल रीड्स एक्सटर्नल विंड कंटेंट द बॉइलिंग वाटर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जब है तब रीडिंग एक्स नॉट है, और जब आइस के साथ यानी 0 डिग्री सेल्सियस है तो एक्स नॉट बाई 3 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, इसमें किसी को तकलीफ है तो बताओ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री और फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री, तो बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पे एक्स नॉट शो कर रहा है और 0 डिग्री पे एक्स नॉट बाई 3 शो कर रहा है। ये जैसे ही आता है वैसे मुझे लगता है कि आप ग्राफ तो बना ही सकते हो, ठीक, क्योंकि आप सीधे सीधे क्या कहोगे, 0 पे एक्स नॉट बाई 3 है, ये मेरा नोन है और ये मेरा अननोन है, तो 0 पे कितना होगा ग्राफ शुरू होगा, 0 एक्स नॉट बाई 3, और 100 पे, 100 पे एक्स नॉट। आई होप ये ग्राफ आप बनाना सीख जाओ। अभी तक 24 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 19 लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, ठीक है। सलोनी थोड़ा गड़बड़ है, आई होप कि सब लोग को इतना समझ में आ जाएगा, आ गया है क्वेश्चन। इतना अगर क्लियर है फिर तो सब लोग को पता है कि अगला काम क्या करना है।
वेरी गुड, 31 रिस्पॉन्स आए इसमें, 23 लोग का सही है। आकांक्षा बिल्कुल सही है, श्रेया बिल्कुल सही है, आंसर आ रहा है। जस्ट मैं एक मिनट और टाइम देता हूं आप लोगों को। चलो बच्चों आगे बढ़ते, मैं तो आपके जगह रहूंगा तो मैं तो स्लोप निकाल लेता यहां पे। स्लोप देखो ये काम आप भी कर सकते हो, स्लोप स्लोप अननोन में चेंज किया है तो पहले एक्स नॉट से कितना हो गया है, एक्स नॉट बाई थ्री में सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और 100 माइनस जीरो तो कितना हो गया 2x नॉट बाई थ्री बाई 100, कैंसिल हो जाएगा 50, तो स्लोप आ रहा है एक्स नॉट बाई 150, ठीक, स्लोप आ रहा है एक्स नॉट बाई 500। वेरी गुड, वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुतों का सही आंसर आ गया है, बहुत लोगों का सही आंसर आ गया है, वेरी गुड, एक्सलेंट। अब स्लोप आ चुका है, अब कह रहा है कि एक्स नॉट बाई टू जब है तो बताना है कि टेम्परेचर क्या है, तो मैं मान लेता हूं ना एक ऐसा जगह बीच का कोई जहां पे ये एक्स नॉट बाई टू है और ये टेम्परेचर कुछ टी है, मान लेते हैं। तो अगर मैं अभी अब मैं पॉइंट छोटा वाला ये लाइन ले लू, अगर ये वाला लाइन ले लू तो यहां का स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा x नॉट बाई टू माइनस x नॉट बाई थ्री डिवाइडेड बाई t माइनस जीरो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x नॉट बाई थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, x नॉट बाई सिक्स हो जा रहा है बाई t, और ये आ रहा है x नॉट बाई सिक्स टी, ठीक है। स्लोप का वैल्यू आया x नॉट बाई सिक्स टी, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, x नॉट बाई सिक्स टी must be equal to x naught by 150, x naught cancel हो जाएगा, 60 will be equal to 150, t equals to 25 degree Celsius, क्या ये सबको आ गया क्या? 34 लोगों का answer सही आ चुका था अभी तक, majority यानी more than 50% people have replied correctly, that's good, ये JE का 2019 का सवाल था, और logic समझ में आ गया तो ये question बहुत easy है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट करेक्ट लॉजिक दैट वी मस्ट हैव। क्या सबको ये क्लियर है? सही है रियांशु, सही था, मैंने उस वक्त बोला नहीं था कि बहुत स्टार्टिंग में आया था वो ना, हाँ निश्चित कैलकुलेशन में रहता, ये ध्यान देना है कि क्या हम लॉजिक सही लगा रहे हैं और कहां हम गलती कर रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, देन ओनली वी कैन मूव अहेड, हम आगे बढ़ेंगे। अब लेट मी नो समझ में आ गया सबको, हाँ ना कर दो, चैट में एबीसीडी लिखना है तुमको, मतलब यस एबीसीडी मत लिख देना। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, होप सबको समझ में आ गया होगा, लेट्स गो अहेड। मधुरेंद्र शांति से बैठा हुआ है, अगले क्वेश्चन में मधुरेंद्र तुमसे हैंडल्स करवाऊंगा, थोड़ा उठो, मुझे लगता है सब अभी अभी ना ठंड है, बारिश हो रही है, सब अभी आधे नींद में क्लास कर रहे हैं। आकांक्षा के लिए क्वेश्चन दिखाइए एक बार, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, 30 सेकंड्स बच्चों, 30 सेकंड के बाद हम विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ना कार्तिक इज सेइंग कि बढ़िया मौसम है, कार्तिक जाओ बारिश में दो मिनट ब्रेक दूंगा, कूद के आ जाना, है ना, एंजॉय एंजॉय। आकांक्षा राइट साइड मूव कीजिए, आकांक्षा अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा
क्वेश्चन लिखने का टाइम मैं दूंगा आपसे, मुझे पहले रोक लेना एक बार, ठीक है? सब लोग वेट कर रहे हैं। तो हम लोग आपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों इस थर्मल एक्सपेंशन को समझना, समझाता हूं मैं पहले होता क्या। बच्चों मैं इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है श्रेया, इस पे बेस चैप्टर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं थर्मल एक्सपेंशन खत्म होगा तब श्रेया, क्योंकि आपको टेम्परेचर मेजरमेंट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है? तो थर्मल एक्सपेंशन के बाद आप खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो हम लोग पहले एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, थर्मल एक्सपेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझते हैं क्या होता है। बच्चों होता क्या है कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, क्या कितने लोगों ने एग्जाम्पल देखा है कि कभी कभी मौसम चेंज होने के बाद आपके दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते, फिट नहीं होते। कितने लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया, जस्ट रेज योर हैंड्स। और जिनके घर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब कोई अच्छी क्वालिटी का दरवाजा है, जस्ट टेक्स्ट मी कि कौन सा दरवाजा है, ठीक है? होता है ना कि दरवाजा फिट नहीं होता। अच्छा कारपेंटर तो ठीक ही बनाता है, कारपेंटर तो ठीक बनाता है बेचारा, वो तो गलती करता नहीं है, लेकिन आपका दरवाजा फिट नहीं आता। क्या है, क्या फर्क आ जाता है? बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्या फर्क आ जाता है? फर्क आता है उसके शेप एंड साइज का। क्यों होता है शेप एंड साइज का फर्क? ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। बच्चों याद रखिएगा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो उसके शेप एंड साइज में भी चेंज होता है, ठीक है? किसी भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी का आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो क्या होता है, तो वो बॉडी क्या होता है, फैलना चाहता है, ठीक है? कोई बॉडी का अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। ये किसी भी बॉडी का ये नेचर होता है, एक्सेप्शन जो है मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है? एग्जाम्पल दिया आस्था ने, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है? वहां भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, चाय बनाते हो ना, इतना चाय में बनाने आते। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू मेक टी? चलो चलो, हैं लोग हैं, चाय में बनाने जानते हैं। तो जब चाय को बनाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाते हो, गैस को ऑन करते हो, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या चाय थोड़ा ऊपर नहीं आने लगता है क्या? चाय ऊपर की तरफ नहीं आता है क्या? तो आपको क्या लगता है, दो कप दूध डाला था, छह कप चाय बन जाएगा? होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। क्या होता है, वो वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, और जैसे ही आप उसको पानी से आप उसको हटाते हो, वैसे ही वो क्या हो जाता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है? तो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, तो क्या हमने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो एक्सपैंड करता है। कैसे एक्सपेंड करता है, मैं इसको लेके एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ठीक है? देखते हैं श्रेयांश, बिल्कुल सही सवाल है। श्रेयांश ने सवाल पूछा है कि सर एक्सपेंड क्यों करता है, जो कि बहुत ही जायज सवाल है, क्यों एक्सपेंड करता है? तो बच्चों गौर से देखो, मेरा एक बॉडी था, मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पे मेरा एक बॉडी था, पहला वाला बॉडी जो दिख रहा है वो मेरा T1 टेम्परेचर पे एक बॉडी है, ठीक है? हाँ निश्चिता को रहने, ठीक है? खैर तो हम लोग एक काम करते हैं, हैंड रेस तभी करो जब डाउट होगा। विवेक आपने, तानिया आपने हैंड रेस अगर किया हुआ तो मैं डाउट के वक्त ही करिएगा आप, ठीक है? अब मैं हटा लिया। खैर तो मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ना एक बॉडी है जो टी टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे, ठीक है? तो उसके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, गौर से देखो उसके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया और उसको लेके चले आए T2 टेम्परेचर पे, वेयर T2 इज लार्जर देन T1, तो क्या होता है? गौर से देखो, क्या आप ऐसा देख रहे हो क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है? दो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो इंक्रीज कर जा रहा है क्या टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से? याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो जो सबसे पहला चेंज ऑब्जर्व होता है वो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। हर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हर छोटा पोर्शन भी बड़ा होगा, एक्सपेंड करेगा, तो क्या पूरी बॉडी एक्सपेंड नहीं कर जाएगी क्या? ठीक है, क्या पूरी बॉडी में एक एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यही होता है थर्मल एक्सपेंशन। When temperature of a body is increased, distance between each molecules increases.
और इसी के वजह से बॉडी पूरा का पूरा क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्रेयांश, क्या आपका डाउट क्लियर है? ठीक है, श्रेयांश ने पूछा है कि सर डिस्टेंस क्यों बढ़ता है। ठीक है, याद रखना कि एक किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, वो आगे आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बताएंगे आपको कि किसी भी बॉडी के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक एनर्जी कैरी करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाता है। और एनर्जी जब बढ़ता है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम आगे जाके थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उस केस में हमारा दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि बॉडी एक्सपैंड कर जाता है। एक सवाल पूछा है स्नेहा ने कि सर बॉडी की रिजिडिटी कम हो जाती है। याद रखिएगा स्नेहा, बॉडी की किसी प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हैं तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे बात करते हैं। टेम्परेचर बदलने पे सब कुछ बदल जाएगा, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बदल जाएगा उसका। ठीक है, तो हर चीज बॉडी की बदल जाएगी। ठीक है, तो मैं जो समझाना चाहता था, दो तीन पॉइंट मैं उस पर स्टिक करता हूँ। पहला कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि when temperature is increased, body expands volumetrically एक सवाल आता है, volumetrically का मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, गौर से देखते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या वो उसका वॉल्यूम चारों तरफ से इंक्रीज नहीं करेगा क्या? ऐसा थोड़े होगा कि टेम्परेचर, अगर मैं इस फोन का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो खाली इसका एक तरफ से बढ़ेगा, ये तो चारों तरफ से इंक्रीज होगा ना। तो कोई भी जो थर्मल एक्सपेंशन कभी भी किसी बॉडी में होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है बल्कि इन ऑल डायरेक्शन में होता है। तो वॉल्यूमेट्रिकली का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन, In all directions, याद रखिएगा, volumetrically का मतलब होता है in all directions। अर्पिता ने एक सवाल पूछा है कि सर जो रोड पर क्रैक आते हैं गर्मी में वो थर्मल एक्सपेंशन के चलते हैं। बिल्कुल अर्पिता, ये बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आते हैं, जहां पे रोड में हम लोग वो लिमिट नहीं देते हैं एक्सपेंड करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बॉडी में हमने देखा कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एक एक्सपेंशन होगा। अब दो लोग सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, तानिया और आकांक्षा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पूछिए आकांक्षा। सर बोल रहे कि समर सीजन में होता है ना ज्यादातर, क्योंकि रेलवे ट्रैक भी देखे हम ज्यादातर की वो भी रेलवे ट्रैक के भी बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने लगते हैं समर में। आप आकांक्षा देखो, बिल्कुल सही, रेलवे ट्रैक का एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है थर्मल एक्सपेंशन का। मैं आपको बोल रहा हूँ समर सीजन में ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा, जब 40-50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उस वक्त ऑब्वियसली बॉडीज में क्या होंगी, थर्मल एक्सपेंशन होंगी। ठीक है, तो आप रेनी सीजन बताइए भाई थोड़ा। नहीं, रेनी सीजन में भी होता है, रेनी सीजन में भी होता है, समर सीजन में होता है, विंटर में भी होता है, तीनों सीजन में होगा। टेम्परेचर घटेगा तो भी तो दिक्कत होगी, कॉन्ट्रेक्शन भी होगा। ठीक है, चलिए तान्या आपने कुछ सवाल पूछा सर? नहीं, ठीक है, आगे विभांशु ने सवाल पूछा। विभांशु गो अहेड। सर मतलब कि अर्थ के अंदर भी तो टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या अर्थ भी एक्सपेंड करता है? अर्थ के अंदर टेम्परेचर तो ज्यादा है ना? नहीं नहीं, इसका 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 तुमको मतलब समझना पड़ेगा कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। जिस जगह पे टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म है, इट्स नॉट वेरिंग। मैंने ये नहीं कहा कि 20 डिग्री की बॉडी है, 200 डिग्री की पे अगर टेम्परेचर पे रखे रहेंगे तो एक्सपेंड करता रहेगा। नहीं, 0 से 200 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तब ये बॉडी एक्सपेंड करेगा। क्लियर है क्या? ठीक है सर। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज, किसी भी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर उसकी वो बॉडी के अंदर एक एक्सपेंशन होता है जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से एक्सपेंड करेगा। तुम मैं हवा भरूंगा तो तुम थोड़े ना खाली
आगे ऊपर नीचे से बढ़ोगे तुम तो चारों तरफ से बढ़ोगे, उसी तरीके से थर्मल एक्सपेंशन भी चारों तरफ से होगा। एक सवाल है, दो सवाल मेरे पास आए हुए, एक है श्रेयांश का, बट सन के कारण बढ़ रहा है टेम्परेचर ऑफ अर्थ, नहीं श्रेयांश पॉइंटलेस बात कर रहे हो तुम, ठीक है, उसके वजह से क्या एक्सपेंशन थोड़े होगा, यूनिफॉर्म है ना। ब्रिगांग, स्टेडी स्टेट एक तरह से कह सकते हैं क्या बिलो अर्थ? बिल्कुल कह सकते हैं, स्टेडी स्टेट है बिकॉज कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, बिल्कुल सही है, अंदर में यूनिफॉर्म है। आस्था ने पूछा टेम्परेचर डिक्रीज का एक एग्जाम्पल, टेम्परेचर डिक्रीज के बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, विंटर के सीजन में रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, समर सीजन में एक्सपैंड कर जाते हैं, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग, तो एक बात तय हो गई कि किसी भी बॉडी में आप एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़ाओगे वो बॉडी एक्सपैंड करेगा। अब हम लोग एक्सपेंशन को कई तरीके से पढ़ेंगे जरूर, लेकिन एक बात हमेशा याद होनी चाहिए, कोई भी बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन विल बी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम विवेक, टेकिंग लास्ट क्वेश्चन विवेक, विवेक बोलिए। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब किसी बॉडी पे भी तो लिमिट होता होगा ना, कितना टेम्परेचर होगा तो इतना एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर इतना लिमिट तो होगा ना किसी बॉडी पे। तुम कहना चाहते हो कि सर मान लीजिए हम आग में कूद गए, ठीक, कहना चाहते हो सर कब तक बढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, कोई भी बॉडी का लिमिट होगा ना, ऑब्वियसली जब तक वो मेल्ट नहीं करता है, जब तक उसका फेस चेंज नहीं होता तब तक बढ़ेगा वो, है ना, यही है ना, जब तक उसका फेस चेंज नहीं करेगा तब तक बढ़ेगा, ठीक है, चलो तुम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक फिगर बना लो थर्मल एक्सपेंशन का, और हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को कुल तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। तीन पार्ट्स क्या क्या हैं देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। पहला होगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल जिससे आते हैं वो होगा लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग 1D भी कहेंगे, 1D। दूसरा होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग 2D कहेंगे। और तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सो कहेंगे हम लोग 3D एक्सपेंशन। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी लिख लो इसको। अरिजीत ने एक सवाल पूछा है, अरिजीत के सवाल को हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विनिता बिल्कुल फिगर बनाई है, ठीक है, कुछ सवाल मेरे मिस हो गए हैं बीच से। पुलकित ने एक सवाल पूछा है सर मोबाइल फोन में भी होता है क्या जब हीट होता है? पुलकित मोबाइल फोन में हीटिंग तो नहीं होती है, लेकिन तुम पुराने फोन्स को देखे होगे तो बैटरी की स्वेलिंग देखा है क्या फोन में? कितने लोगों ने देखा है पुराने फोन्स में बैटरी स्वेल करता है? वाह, सब ज्यादा पुराने जमाने के नहीं हो तुम लोग, ठीक है, दिखा है? तो वो वहां पे आपका एक रीजन है थर्मल एक्सपेंशन, हीटिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। विनीता ने बोला सर फिगर बनाना है क्या? विनीता बिल्कुल फिगर बना लिया, ठीक है, दिख रहा है ये एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ठीक है कार्तिक, ठीक है। अरिजीत ने एक सवाल पूछा है कि सर आपने कहा कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक बात, तो क्या पानी का भी इंक्रीज करता है क्या? याद रखना अरिजीत, पानी का भी इंक्रीज करता है, लेकिन पानी में एक एक्सेप्शन है, पानी में एक एक्सेप्शन है, इसको कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वॉटर। वॉटर थोड़ा सा ऑपोजिट बिहेव करता है, कहां से कहां तक? 0 degree से लेके 4 degree Celsius तक, बस इतने में ही गड़बड़ है इसका पानी का। 0 से 4 degree Celsius तक अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो होता है वो घटता है, ये आप लिख लीजिए, इसको कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वॉटर 0 से 4 degree Celsius तक। क्लियर है?
आकांक्षा ये एनोमलस बिहेवियर सिर्फ वाटर का है और किसी का नहीं, बाकी एक्सेप्शन नहीं है, हर हर बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बॉडी एक्सपैंड करेगा, सीधा सीधा कहानी है, ठीक है। वाटर जो होता है वो एक अलग बिहेवियर शो करता है अजीत, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, समझ में आ गया अजीत? ग्रेट, ठीक है बच्चों जल्दी लिख लो इसको, ताकि हम अपने पहले टाइप्स ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जाएंगे, इसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन। तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन अपने को पढ़ने, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर एक्सपेंशन। वो समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। श्रेया ने हाई हैंड रेस किया, श्रेया गो अहेड पूछिए। ओके ठीक, ओके चलिए आगे बढ़े हम लोग, आई होप सब लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग पहले टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। लीनियर एक्सपेंशन को हम, अच्छा दो मिनट विनीता ने कहा, चलो ठीक है लिख लो, चलो दो मिनट तो ज्यादा हो जाएगा विनीता, प्लीज एक मिनट ले लो, बहुत है। बोलिए आकांक्षा क्वेश्चन। सर बोल रहे कि ये वाला तो हम लोग के भी बॉडी में होता है सर, समर के सीजन में हम लोग थोड़ा मतलब डिस्टेंस लेके सोते हैं। और आप याद रखिए, अब देखिए इसमें वही है कि अगर आप समर में, अगर आप गर्मियों में आप लोग अगर मोटे हो जाते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी थर्मल एक्सपेंशन नहीं, आप ज्यादा खा पी रहे हैं, ठीक है। आप गलत चीजों को दोष ना दें आप लोग, ठीक है। हाँ अगर आप गर्मियों में अगर आप हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठंडे में अगर आप पतले हो जाते हैं, इसमें कोई रीजन नहीं है खाने पीने, इसमें कोई रीजन नहीं है थर्मल एक्सपेंशन का, ये प्रॉपर आपके डाइट की वजह से हो रहा है। हम हर चीज के लिए थर्मल एक्सपेंशन को दोष नहीं देंगे, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं हर चीज का दोष थर्मल एक्सपेंशन पे नहीं जा सकता है, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता, आई थिंक लिख लिया होगा विनीता आपने। ओके बच्चों हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है अपना थर्मल लीनियर एक्सपेंशन। मैंने बोला कि हमने थर्मल एक्सपेंशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी बॉडी में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कभी भी बॉडी एक डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं करेगा, बॉडी हमेशा एक्सपेंड हर पॉसिबल डायरेक्शन में करेगा। तो जब हमने ये कह दिया कि हर बॉडी में एक तरह का एक्सपेंशन होगा, वो है वॉल्यूम की वॉल्यूमेट्रिक, और हर तरफ एक्सपेंड करेगा, तो फिर लीनियर एक्सपेंशन कैसे आ गया टॉपिक, इसको समझना बहुत जरूरी है। बच्चों याद रखिएगा कि कुछ बॉडीज हमारे पास ऐसे होते हैं जो लीनियर बॉडीज होते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि लीनियर बॉडीज हम किसको कहते हैं, ठीक है। लीनियर बॉडीज, मैं लीनियर बॉडीज का एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। लीनियर बॉडीज, बच्चों लीनियर बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो ऐसा समझो कि अगर एक बॉडी है जो इस तरह का शेप का है, और ये इसका विड्थ जो है मान लेते हैं कि इसका b है, और इसका लेंथ जो है वो l है, और मान लेते हैं इसका जो विड्थ है वो विड्थ जो है वो लेंथ से बहुत ही कम है। अगर एक बॉडी का विड्थ जो है वो लेंथ से बहुत ही कम होगा, उस तरह की बॉडी को जनरली हम लोग लीनियर कह सकते हैं। एग्जांपल हो वायर, अच्छा बताओ वायर लीनियर नहीं कह सकते हैं क्या? वायर का विड्थ होता है क्या लेंथ के कंपैरिजन में? कुछ भी। रॉड, रॉड भी क्या लीनियर नहीं होता है क्या? रस्सी, रस्सी लीनियर नहीं होता है क्या? तो हम लीनियर कुछ होता नहीं है, हम लीनियर मानते हैं वो बॉडी जिसका विड्थ बहुत ही कम होता है। तो अगर इस केस में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे भी तो लेंथ में चेंज होगा वो तो दिखेगा, लेकिन विड्थ का चेंज इतना कम होगा कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। याद रखिएगा एक बॉडी है, एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो इधर सब लोग। एक बॉडी है, मान लिया कि हमने इसका लेंथ पहले कितना था, एल था, एल था, और मान लिए कि इसका विड्थ जो था वो बी था। अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर हम लोग, तो लेंथ भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा फॉर श्योर।
लेकिन विड्थ में इतना चेंज कम होगा कि हम लोग चेंज इन विड्थ को इग्नोर कर देते हैं. Change in width is very small. Hence ignored. यानी मेरा जो कहने का पॉइंट समझ लो आप लोग, मेरा जो कहने का पॉइंट है बच्चों कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक बॉडी फैलेगा चारों तरफ से, लेकिन क्या हम इसका जो विड्थ का जो चेंज होगा वो इतना कम होगा कि हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. राहुल ने कहा कि सर इफ वी टेक स्मॉल रोप, स्मॉल रोप. राहुल देखो, स्मॉल रोप अगर आप ले रहे हो तो आप कहना चाहते हो कि विड्थ और लेंथ बराबर ही सेप में होगा, तब आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. लेकिन रस्सी का मतलब क्या होता है कि रस्सी का लेंथ बड़ा होगा और विड्थ छोटा होगा, तो उस केस में आप विड्थ को, विड्थ के चेंज को इग्नोर कर देते हैं. यानी अगर आप विड्थ के चेंज को इग्नोर कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा, खाली कौन सा क्या चेंज होता हुआ दिखेगा, लेंथ का चेंज होता हुआ दिखेगा. इस तरह के एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, या इसको हम लोग 1D एक्सपेंशन भी कहते हैं, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी हम लोग इसको कहते हैं. विच इज वेरी क्लियर कि क्यों होता कुछ नहीं है वन डायमेंशनल, लेकिन हम मान लिए हैं कि वन डायमेंशन में ही बॉडी एक्सपेंड कर रहा है, बाकी डायमेंशन के एक्सपेंशन को हम लोग इग्नोर किए हैं. इस बात का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं. खैर बच्चों देखते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास अभी टेम्परेचर था टी, और अब टेम्परेचर बढ़ के हो गया है T+dT, चेंज हो गया है टेम्परेचर. तो हमने देखा कि जो हमारा पहले लेंथ L था वो लेंथ L से बढ़ के अब चेंज हो गया है L+ΔL. तो सवाल उठता है कि जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है श्रेया, मतलब हम एक डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल श्रेया हमने माना है कि एक डायरेक्शन में ही होगा, हो तो सब जगह रहा था लेकिन बाकी सब इतना कम था कि हमने उसको इग्नोर कर दिया. ठीक है तो हमने अब देखो सिंपल सी बात, हमने देखा कि एक रॉड का लेंथ पहले L था, ठीक है, और अब बढ़ के कितना हो गया L+ΔL. ठीक है तो कितना बढ़ा इस पे बात करते हैं. बिल्कुल सही है, विड्थ को इग्नोर कर दिया हमने, बिल्कुल सही है आकांक्षा. तो अब हम देखते हैं कि चेंज इन लेंथ जो है बॉडी का डेल्टा L जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. मुझे लगता है इसमें किसी को शक नहीं होगा भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा. ठीक है पुलकित ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, इसमें आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि सर लेंथ और ब्रेथ में ऐसा क्या रेशियो हम इग्नोर कर दें. जनरली हम लोग 100 का रेशियो लेते हैं, पुलकित 100 के रेशियो में हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी आपको इतना फर्क करने के लिए आएगा नहीं. ठीक है खैर तो मैंने कहा बच्चों की अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो चेंज इन लेंथ होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और जो चेंज इन लेंथ होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ. याद रखिएगा बच्चों, इंक्रीज इन लेंथ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक इंक्रीज इन टेम्परेचर और ये दूसरा होता है ओरिजिनल लेंथ, दो चीजों पर डिपेंड करता है. तो क्या अब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा एल जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी. क्लियर है, अब L into delta T हो गया, तो अब सबको पता है कि ये constant of proportionality लाना पड़ेगा, वो constant of proportionality होता है क्या, alpha into L into delta T. अब ये alpha क्या है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं. alpha समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, अल्फा को यहां पे कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. क्लियर है, तो अब हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो चेंज इन लेंथ होता है इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी. बच्चों याद करो, क्या ये मैंने पहले थर्मल स्ट्रेस में बताया नहीं था क्या, बताओ याद करो, क्या मैं जब थर्मल स्ट्रेस पढ़ा रहा था तो उस वक्त हमने आपको नहीं बताया था कि किसी बॉडी में जो लेंथ का चेंज होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एल पे और
डेल्टा टी पे, और फॉर्मूला होता था एल अल्फा डेल्टा टी। क्या ये हम तो पहले थर्मल स्ट्रेस में पढ़ ही चुके हैं? जल्दी से आप लोग इतना लिखे, हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है श्रेया ने पूछा है कि सर आप ये तो कह दोगे डेल्टा टी कि टेम्परेचर के चेंज पे बढ़ गया है, तो मैं मान लूंगा कि भाई ठीक है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ेगा, लेकिन सर ओरिजिनल लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? अच्छा एक बात बताइए श्रेया, कि खुद सोचो आप कि जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक श्रेया? अच्छा जितना ज्यादा लेंथ होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे श्रेया, उतना ज्यादा सेपरेशन बढ़ेगा श्रेया, तो उतना ही ज्यादा लेंथ में इंक्रीज होगा। बोलिए क्लियर गया? सवाल यही था, मैं होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सवाल का जवाब आ गया होगा। आपका सवाल था कि सर जो इंक्रीज इन लेंथ है वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? मैंने बोला जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर में उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे कि हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो क्या है कि चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। ठीक है, हमने फाइनल फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, श्रेयांश ने पूछा सर अल्फा क्या होगा? श्रेयांश अल्फा के बारे में तुरंत डिटेल में बात करते हैं, अल्फा पे थोड़ा रुक जाते हैं अभी। ठीक है, अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कि चेंज इन लेंथ क्या होता है। सबको बोलोगे ना कि चेंज इन लेंथ, मान लेते हैं कि बच्चों ये मेरा फाइनल लेंथ है, ये मेरा एल फाइनल है और ये मेरा इनिशियल लेंथ कितना था, एल था। कोई पूछेगा चेंज इन लेंथ तो क्या कहेंगे, एल फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल। अल्फा को ऐसे भी लिखते हैं जैसे मैं शो कर रहा हूं, अल्फा को ना दोनों तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी, तो अब एल फाइनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, लेंथ फाइनल इक्वल्स टू हो जाएगा, एल कॉमन ले लेंगे, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये मेरा फाइनल लेंथ का फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक है चेंज इन लेंथ क्या होता है और एक फाइनल लेंथ क्या होता है। ये दो फॉर्मूले आपको यहां से निकल के आए। ठीक है, एक बॉडी में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसके लेंथ में कितना, लीनियर बॉडी में, नॉट ऑल, लीनियर बॉडी में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका लेंथ कैसे बढ़ेगा। जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्या होगा, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, और जो फाइनल लेंथ होगा वो क्या होगा, एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से सब लोग उसको लिख ले, फिर श्रेयांश आपका जो अल्फा के बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। सिंपल फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला पे पूरा थर्मल एक्सपेंशन निकल जाएगा, इस एक फॉर्मूले पे पूरा थर्मल एक्सपेंशन निकल जाएगा। आकांक्षा सर विड्थ तो इग्नोर ही किए मैं ना, विड्थ तो इग्नोर ही किए, लीनियर बॉडी मान लिया मतलब विड्थ इग्नोर्ड है। ऑब्वियसली हर्ष, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव आएगा, टेम्परेचर का चेंज नेगेटिव हो जाएगा ना हर्ष। मैं कह रहा हूँ हर्ष कि अगर आप बोल रहे हो कि सर अगर मान लिए अगर नेगेटिव अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो, मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर का चेंज नेगेटिव आ जाएगा तो सब कम हो जाएगा। विवेक ने कहा कि इस फॉर्मूले से टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए आकांक्षा।
अनम्यूट कर दिया कांचन, पूछिए। सर बोल रहे हैं कि अगर कोई मतलब उसका वेट जो इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, सपोज वायर को छोड़ दे या रोप को छोड़ दे तो उसके आएंगे, तो अब वेट को इग्नोर नहीं कर सकते तो लीनियर एक्सपेंशन नहीं कहेंगे उसको, कुछ और एक्सपेंशन कहेंगे उसको। जैसे एग्जांपल दो, एग्जांपल मैं बताता हूँ, सुन लो, कंफ्यूजन दूर कर किया देता हूँ। अच्छा ये बात बताओ, ये जो फोन दिख रहा है मेरा, ठीक है, फोन जो मेरा दिख रहा है, क्या ये लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है इसमें? हाँ, हो सकता क्या है। इस फोन में लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है क्या? क्या कह सकते हो कि लेंथ बढ़ेगा इसका खाली? विड्थ इग्नोर कर सकते हो क्या? हाँ इसमें कर सकते हैं, विड्थ इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, अभी तो पतला है ना। आर यू श्योर? मतलब क्या आप इसके इस लेंथ के मतलब इसको इग्नोर कर सकते हो? मान लो विड्थ थिकनेस इग्नोर कर रहे हो ना आप, ये हाँ, बताओ। सही बात समझो, आप बात समझो आकांक्षा, इसमें तीन चीजें हैं, एक है इसका लेंथ है, दूसरा इसका ये विड्थ है, और तीसरा इसका ये थिकनेस है। सही बात है, आप ऐसा ठीक कह रहे हो कि थिकनेस इग्नोर कर दोगे, पर लेंथ और ब्रेथ इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसमें टू डायमेंशनल चेंज होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग टू डायमेंशनल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे हम लोग इस तरह के बॉडी को। एक और एग्जांपल लो, ये ग्लास दिख रहा है, ये इसका लेंथ है, इसका एरिया है, कुछ भी इग्नोर कर सकते हो क्या इसमें? इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? तीन तरह का एक्सपेंशन इसलिए दिया गया, ये है लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन के इन चेंज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, हम लोग अब अपने टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले से विजय फाइंड से बिल्कुल वेट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर आप एक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो चेंज इन लेंथ होगा विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, और जो फाइनल लेंथ होगा विल बी इक्वल टू एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बात है अल्फा क्या होता है बच्चों, तो अल्फा के बारे में याद रखना, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तो होता ही है, अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसकी खासियत यह होती है कि यह मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, इट इज मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। क्लियर है? याद रखिएगा इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो होता है पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट होता है इसका पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा कि शॉर्टर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, इट रिमेन अनचेंज्ड। At lower temperatures, बच्चों ये सवाल कभी कभी पूछ देता है कि क्या ये अल्फा हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है? नहीं, अल्फा के बारे में आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमेशा कॉन्स्टेंट देगा, लेकिन अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का 1000-2000 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग, अल्फा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अल्फा याद रखिएगा, अल्फा को सॉल्व करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं इस रिलेशनशिप का यूज करने वाला हूं, गौर से देखिए कि आप अल्फा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं 1/L (Δl/Δt) या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/L (dl/dt), इसको भी आप लिख लीजिए 1/L (dl/dt), काम पर जाएगा, कभी भी आ सकता है ये जरूरत। ठीक है,
श्रेयांश ने पूछा है कि सर वैल्यू ऑफ अल्फा चेंज क्यों होता है। श्रेयांश इस बात का खास ख्याल रखिए कि अल्फा की वैल्यू जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ये अल्फा की वैल्यू जो डिफाइन की गई है वो लोअर रेंज ऑफ या शॉर्टर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही डिफाइन किया गया है, लॉन्गर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर है? डिफाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, विवेक ने हैंड रेज किया, विवेक गो अहेड, बोलो भाई। सर यहाँ पे आपने यूनिट लिखा है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट सेल्सियस, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा। पर यूनिट क्या बोला फिर से? पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ, लेंथ। अरे श्योर करके देखो तो एक बार जल्दी सर, क्योंकि ये अल्फा अगर करते हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल इनटू डेल्टा टी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिख रहा है पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक, फिर उसके बाद लेंथ भी तो दिख रहा है ना। डेल्टा एल क्या है, केजी है? नहीं सर डेल्टा एल है, लेकिन फिर भी नीचे में लेंथ है तो यहाँ पे मतलब भावना में तुम बह गए विवेक। नहीं दिख रहा तुमको डेल्टा एल और डेल्टा एल और लेंथ दोनों मीटर मीटर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हाँ ये बोलना चाहता है डिपेंड करेगा ना मतलब पर यूनिट लेंथ पे। अल्फा की वैल्यू किस, अल्फा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो लेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, अल्फा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तन्या ने हैंड रेज किया, तन्या गो अहेड। सर एक बार रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा क्या, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है जो समझाया मैंने अभी। मैंने बोला कि फॉर्मूला से डिराइव किया, अल्फा का वैल्यू निकाला है, बस अल्फा का वैल्यू निकाला है। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा लेके आओगे तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी हो जाएगा और इधर 1/L आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है बस, खाली कुछ नया नहीं किया है इसमें, तो मैंने कुछ समझाया नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। आकांक्षा ने पूछा है कि सर आपने सर अगर दो मटेरियल है और दोनों प्रॉपर्टी सेम होगा तो अल्फा सेम होगा क्या? अल्फा जो होता है आकांक्षा, दो मटेरियल के लिए अगर मटेरियल सेम होगा तो अल्फा उसका बिल्कुल सेम होगा सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को विद न्यूमेरिकल्स, लीनियर एक्सपेंशन पे। लीनियर एक्सपेंशन को हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। दैट आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हम लोग इसी पे एंड करेंगे, अगले दिन हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे कल। ठीक है, अमृता ने हैंड रेज किया, अमृता गो अहेड पूछिए। सर आज डीएसएस होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का? आज फ्लूइड मैकेनिक्स, कल रखेंगे डीएसएस, कल okay. कल रखते हैं डीएसएस इवनिंग। ठीक है, कल दोनों, कल ए टू ए वन दोनों के लिए डीएसएस रखेंगे। ठीक है, वेग चलो। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड दिस सेशन। You can go ahead and next class की तैयारी करो। ठीक है, 10:30 आपकी अगली क्लास भी है। Okay, notes and video will be uploaded there.